आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं यानी निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो एक फाइनेंशियल टेंशन जो है वो आपको जरूर परेशान करती होगी और वो है पेंशन की टेंशन, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो पेंशन मिलती नहीं है। तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कैसे चलेंगे? क्या आप इतना पैसा जमा कर लेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आप ऐसी ही जिंदगी बिताएं जैसे कि आप रिटायरमेंट के पहले बिता रहे हैं? पेंशन तो मिलने वाली नहीं है, फिर रेगुलर इनकम कैसे होगी? तो इस सवाल का एक जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, खासतौर पर अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो एक छोटी सी पहल करके आप हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम का इंतजाम कर पाएंगे और ये रकम आपको जीवन भर पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। यही नहीं, और आपके खाते में हर समय कैसे 6.5 करोड़ रुपए जमा रहे हम ये भी आपको बताने वाले हैं। इसमें हम कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन है और एक सिंपल निवेश है जो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकता है। तो रिटायरमेंट के लिए कैसे जोड़े बड़ी रकम और कैसे हो सकती हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई, जानिए मेरे साथ। तो ये सब कैसे पूरा होगा इसके लिए हम आपको मिलवाते हैं श्वेता से। श्वेता की अभी उम्र है 25 साल और वो एक फार्मा कंपनी में काम करती हैं। कंपनी के पैकेज के हिसाब से श्वेता पेंशन के दायरे में नहीं आती हैं और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक निवेश शुरू करती हैं। कहाँ करती हैं? तो वो चुनती हैं एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें 10,000 रुपए हर महीने वो सिप शुरू कर देती हैं। अगर श्वेता 7 साल की उम्र तक रेगुलर निवेश करती हैं तो वो 35 साल में कुल 42 लाख रुपए का निवेश करेंगी और अगर इस निवेश पर सालाना 12% का औसत रिटर्न मानकर चलें तो पूरे टेन्योर के दौरान उन्हें 6.07 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलेगा। इस तरह श्वेता के पास 6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जुट जाएगा। श्वेता का निवेश लंबी अवधि का है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के पिछले रिटर्न के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उन्हें 12% से ज्यादा का रिटर्न भी मिल सकता है। तो करीब ये 6.5 करोड़ रुपए जोड़ने के लिए श्वेता को अपने निवेश को कंटिन्यू रखना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसा ही निवेश है जिसमें आपको लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहिए। और जो अभी तक के रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आपको 12% तक का तो रिटर्न मिल ही सकता है और हो सकता है कि कभी आपको इससे ज़्यादा का भी रिटर्न मिले और कभी इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम एक एवरेज माने तो 12% तक का रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो अभी तक की श्वेता की इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि 60 साल तक श्वेता के पास 6.5 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की रकम जुट जाएगी, लेकिन उन्हें हर महीने अब कमाई कैसे होगी ये समझिए। श्वेता रेगुलर इनकम के लिए SWP का ऑप्शन चुन सकती हैं, यानी पहले उन्होंने की SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और अब जब पैसे इकट्ठा हो गए तो वो करेंगी SWP, और SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके जरिए निवेशक किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में किए गए अपने निवेश से नियमित रूप से पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसके तहत हर महीने या क्वार्टरली या हर साल में एक बार आप पैसे निकालने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। SWP म्यूचुअल फंड में सिप के उलट काम करती है। सिप में आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं, उस स्कीम में डालते हैं, जबकि SWP में आप क्या करते हैं, उस पैसे को आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने रिटायरमेंट से पहले तक नियमित निवेश करते रहें और अच्छा खासा कॉर्पस यानी फंड जुटा लेते हैं तो रिटायरमेंट पर SWP के जरिए नियमित कमाई कर सकते हैं। इससे निवेश पर आपके रिटर्न भी मिलता रहेगा और आप उससे जो पैसे विड्रॉ करेंगे उससे आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहती है। तो हमारे एक्सपर्ट जो रिटर्न और रेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं अब इस बात को श्वेता के एग्जाम्पल में फिट करके आपको बताते हैं। अगर श्वेता जब 60 साल की होती हैं तो अपने सिप को बंद कर देती हैं और अपने कॉर्पस को उसी स्कीम में कंटिन्यू करती हैं, यानी वो नया निवेश नहीं करेंगी पर उनका जो कॉर्पस है जो हमने आपको बताया था कि 6.5 करोड़ का जमा हो गया है वो उसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। अब क्योंकि ये इन्वेस्टेड रहेगा तो इस पर उनको रिटर्न मिलेगा और सालाना अगर 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो हर साल 77,94,000 रुपये का रिटर्न उनके इस कॉर्पस पर बन रहा होगा। इस तरह उन्हें हर महीने 6.5 लाख रुपए के करीब का रिटर्न मिल रहा है
और जब ये कमाई हो रही है 6.5 लाख रुपए की, तो इस पर श्वेता को टैक्स भी भरना है। श्वेता का रिटर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। अभी इक्विटी में सालाना 1,25,000 रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है, तो इसमें से 1,25,000 को हम डिडक्ट कर देंगे। बाकी रकम पर 12.5% की दर से LTCG टैक्स अदा करना है। इस तरह टैक्स देने के बाद हर महीने पेंशन के रूप में 4,58,000 रुपए श्वेता कमा रही होंगी। ये हो गई उनकी रेगुलर इनकम। और ध्यान रखिए, वो जो कॉर्पस उन्होंने इकट्ठा किया है उस पर उन्हें सालाना रिटर्न भी मिलता रहेगा। लेकिन एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, म्यूचुअल फंड निवेश में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। थीमैटिक और सेक्टोरल जैसे कुछ फंड्स हैं जिसमें आप जब देखेंगे तो एक साल का रिटर्न आपको दिखेगा डबल होता हुआ। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो पिछला रिटर्न है वो आगे भी रिटर्न की गारंटी आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए श्वेता के निवेश की गणना भी जब हमने की है तो ये सब कुछ अनुमान के आधार पर किया है। श्वेता के निवेश की वैल्यू कम और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग जॉब लगते ही शुरू कर देंगे तो फिर आपको पेंशन की टेंशन नहीं रहेगी। तो देखा आपने, श्वेता ने केवल 10,000 से जब वो 25 साल की थी अपने निवेश की जर्नी शुरू की और 7 साल के बाद अपने रिटायरमेंट के लिए अपने पेंशन को किस तरह से सिक्योर कर लिया। और SWP वो चाबी है जिसने श्वेता को मदद की।